नमस्कार, मैं आनंद कुमार, गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी रनिंग पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस प्रधान प्रचालक वाले अभ्यर्थियों की। साथ के साथ आज मैं बात करूँगा असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वाले बच्चों की भी बात करूँगा मैं। और तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि हर डिप्लोमा वाले तक ये बात पहुंचे। तो प्यारे साथियों, इस समय क्या है आपको पता है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि उनकी लड़ाई किस स्तर से चल रही है। बाकी भर्ती बोर्ड जाना या वहाँ बात करना, उस बात का कोई औचित्य, इस बात से अगर कोई सोच रहा है कि उसका अर्थ ये निकलता सीधा सीधा कि भर्ती बोर्ड हमारे लिए कोई राहत जारी कर देगा, तो ये गलतफहमी थी। ये जो है ये गलतफहमी थी आपके मन में, वो दिन में मुंगरी लाल के सपने देख रहे हो, वो देखना बंद कर दीजिए। हकीकत यही है कि हम लोगों ने प्रयास अपने स्तर से पूरा कर चुके हैं, भर्ती बोर्ड जाने का या रजिस्ट्री करनी हो, मेल करनी हो, जो भी चीज़ें थी आपके हित के लिए मुझे लगा कि नहीं काम करना चाहिए, तो मैंने वो सारे काम किए। अभी मुझे लग रहा था कि भर्ती बोर्ड एक बार और चलना चाहिए, तो मैं फिर से गया। इस बार जाने का उद्देश्य एकदम स्पष्ट था, मैं पहले से कह रहा था ये बात और आज भी मैंने कही कि हम लोगों का प्रयास यह था कि सब लोग चल के एक बार, आप 50-55 लोग आए भी थे आप लोग जो है मेरे साथ, तो हम लोग गए उधर जो है और अपनी बात को रखना चाह रहे थे। मौका मिला या नहीं मिला वो जो मेरे साथ थे उनको पता है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वेरीफाइड लोग हैं उन सबको चीज़ें पता हैं कि सकारात्मक रही, वो बताने के लिए मैं YouTube पे नहीं कहने वाला हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिन पर चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है, तो उन्हीं के लिए मैं आज आया हूँ। और जो वहाँ हम लोगों का जाने का प्रयास था कि भर्ती बोर्ड जो है हमारे जो रिट है उस पर उनको जवाब देना है, जो 3 सप्ताह का समय उनको दिया गया था वो 29 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। तो हम लोगों का प्रयास यह था कि 29 अप्रैल तक भर्ती बोर्ड उस पर जवाब दायर कर दे, और इसकी उम्मीद भी हम कर रहे हैं कि शायद भर्ती बोर्ड जवाब दायर कर दे। यदि जवाब दर्ज कर देता है, जवाब दर्ज कर देता है, तो आप लोगों को पता है कि इस केस से हमारी सुनवाई हो जाएगी 14 मई को और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर नहीं बल्कि हम जीत जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि भर्ती बोर्ड जो है बहुत कम चांस हैं इस बात के कि जवाब देगा। हम लोगों को जो भी राहत मिलेगी, जो भी मिलेगा, वो कोर्ट से ही मिलेगा। अब आपने देखा होगा कई तरीके के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, एक पहले मिस्टर मास, फिर एक वो कोई सत्यवादी थे जो अब तक कभी झूठे नहीं बोले हैं, उनसे कुछ भी पूछो वो सिर्फ उसका सच में जवाब देते हैं, झूठ कभी बोलते नहीं हैं वो थे। उसके बाद एक गोबर और कहीं से आया हुआ है, भैंस का गोबर है कि गाय का गोबर है वो मैं नहीं जानता हूँ, तो गोबर करके है कोई, उसे बड़ा इस समय हमदर्द बना हुआ है, बड़ा उसके पेट में दर्द हो रहा है। उसके दर्द होने का कारण है क्योंकि ये बात वो भली भांति जान गया है कि बीटेक बाहर है और सिलेक्शन प्रोसेस में केवल डिप्लोमा ही जाएगा, इसलिए उसका दर्द मैं भली भांति समझ रहा हूँ। ऐसे लोगों का दर्द जो गोबर टाइप हैं, उनका क्या ही कह सकते हैं उनके लेवल को लेकर के, मैं आप लोग बाकी खुद समझदार हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ उन्हें मुझे उनको सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताई जाती हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात सच है, आप सबको पता था कि हम लोगों ने जब केस किया था, ये हम लोगों का प्री मेच्योर केस था और इसमें आप लोगों को जो चीज़ें बताई थी आप लोग सहमत थे सब लोग इस बात से कि हम लोगों को दूसरा केस करना पड़ेगा। हम लोग उसी के लिए कलेक्शन कर रहे हैं जिसका जो है बोला गया है कि चंदाखोर फलाना ढिकाना, ये इन सब चीज़ों का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आप लोगों को डाइवर्ट किया जा सके, माइंड आपका डाइवर्ट किया जा सके। और कुछ हद तक वो लोग कामयाब भी हुए इसमें। आपको सोचना चाहिए कि यदि आप लोग वास्तव में मेरे साथ, जो आपको आना चाहिए था, भर्ती बोर्ड मैंने बुलाया था उस दिन, आप लोग अगर वास्तव में आए होते 24 अप्रैल को तो तस्वीर कुछ अलग होती। उन लोगों ने ब्रेन वॉश किया आपका कि धारा 144 लगी हुई है, ये होगा वो होगा, आपका कैरियर खराब होगा, अब आप मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हो गए हैं, ना ही आप कलेक्टर के लिए ज्वाइनिंग आपकी हो गई है, आपने घर रह के, और मैं वहाँ गया था तो मुझे मतलब फांसी नहीं हो गई है कि मैं गायब हो गया दुनिया से। अफवाहें तो फैलाएंगी बहुत सारी कि मार पड़ी है, तड़ तड़ पड़ा हुआ है, थप्पड़ पड़े हैं, जेल गया, सब चीज़ें हुई हैं, सब बोला गया, लेकिन हकीकत उनको भी पता है
जो वहाँ पहुँचा है वो उनको सब पता था, लेकिन अफवाह फैलाना उनका काम है कि गाड़ी खड़ी है, एटीएम में घुस गए, ये सब चीज़ें उनको दिख रही थी और वो जो है केवल और केवल भ्रामक चीज़ें बना के आप लोगों के सामने परोस रहे हैं। और अगर आप लोगों को आपको डिसाइड करना है कि आपके पक्ष की बात कौन कर रहा है, ये बीटेक वाले आपके हितैषी कब से हो गए, अगर वास्तव में ये हितैषी हैं आप लोग कमेंट करिए इनके वीडियोस पे। और पहली बात तो उनको भाव देने की ज़रूरत ही नहीं है, बीटेक वाले वास्तव में डिप्लोमा के हितैषी हैं तो वो एक वीडियो ही जारी कर दें, कुछ लेटर लिखें ना लिखें, एक वीडियो बना दें अपने चैनल से कि मैं जो है इस वैकेंसी से बीटेक वाले भाई सारे विड्रॉल हो रहे हैं, कोई भी जाएगा नहीं रनिंग करने, केवल डिप्लोमा वाले भाइयों के लिए वैकेंसी छोड़ दे रहा हूँ, मैं जिसका जितना पैसा मैंने लिया है मैं एक एक पैसा वापस करूँगा जिसका भी मैंने लिया है। उनको बस ये बोलना है, वीडियो बना के बोल दें कि हम जो है इस केस से हम जो है बीटेक वाले बच्चे अपनी मर्जी से बाहर हो रहे हैं, और एक दो बच्चे एफिडेविट दे दें भर्ती बोर्ड कि बीटेक वालों को यहाँ से बाहर कर दिया जाए, इस वैकेंसी के लिए बीटेक एलिजिबल नहीं है। अगर वास्तव में वो सत्यवादी, वास्तव में अगर सत्य बोलते हैं, जिगरा रखते हैं सत्य बोलने का, तो उनके लिए भी चैलेंज कर रहा हूँ मैं इस बात का, उनको एक लेटर लिखना चाहिए, हालांकि वो उनके बस की बात नहीं है लेटर लिखना, शायद कभी लिखा भी नहीं होगा ना, कभी क्रांतिकारी भले ही दिखाते रहे लेकिन वो दूसरों के घर में, अपना हकीकत ये है वो कभी घर से बाहर नहीं निकले हैं आपके लिए या बीटेक वालों के लिए, अगर वो कभी बीटेक वालों के लिए भी घर से बाहर निकले होते, हाँ उससे बढ़िया मैं मार्श को कह सकता हूँ, वो उस दिन मिलने आया, आशीर्वाद लिया मेरा, और उसे इस बात को मतलब आप लोगों को भरमा रहा था कि धारा 144 लग जाएगी, लेकिन खुद आया वो और माहौल खराब करना चाह रहे थे वो लोग, मैंने बोला था कि आप कामयाब नहीं होंगे तो मुझे भी पता था। और जो मिस्टर सत्यवादी है उनकी तो बात ही क्या करनी है, वो सिर्फ सत्य का ज्ञान देते रहते हैं, हकीकत में कभी उन्होंने एक पत्र नहीं लिखा होगा। अगर वास्तव में मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ और फिर से कह रहा हूँ, अगर वो वास्तव में सत्यवादी हैं तो उनको एक लेटर लिखना चाहिए भर्ती बोर्ड को, और उसमें ये उसको पब्लिक करें और उसे पोस्ट करें वहाँ पे, ये बताएं कि इस वैकेंसी में केवल डिप्लोमा एलिजिबल है, बीटेक वालों को बाहर कर दिया जाए, जिसका जितना पैसा मैंने लिया है एक एक पैसा मैं वापस करूँगा, मैं भी इन डिप्लोमा वाले भाइयों का हितैषी बन जाऊँ, अगर वास्तव में आप हितैषी हो, वरना ये गोबर ओबर से कुछ काम नहीं चलने वाला है, सब बच्चे जानते हैं, और जिनको तुम बच्चा बोल रहे हो ना, ये सारा एक एक कैंडिडेट हेड ऑपरेटर बनने वाला है, वो बच्चे नहीं है, वो अधिकारी बनने वाले हैं रेडियो विभाग में, वो सब हेड ऑपरेटर बनेंगे, 55-56 हज़ार रुपये महीने सैलरी उठाएंगे, 4200 ग्रेड पे की जॉब करेंगे, वो दरोगा बनने वाले हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो सब समझते हैं अपना अच्छा बुरा, आप 2000 की बात कर रहे हो, जरूरत पड़ेगी वो 10,000 भी देंगे बीटेक को बाहर करने के लिए, अपनी एक भी सीट पे किसी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे वो लोग, मैं खड़ा हूँ मैं नहीं होता कोई दूसरा आनंद होता, दूसरा आनंद नहीं होता कोई तीसरा खड़ा होता, लेकिन तुम सोच रहे हो कि तुम्हें वॉकओवर मिल जाएगा, ये सपने देखने बंद कर दो, एक एक सीट केवल और केवल डिप्लोमा का सिलेक्शन होगा। मैंने पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ कि भर्ती बोर्ड ने बीटेक को एलिजिबल किया कर दिया, बस वो इस बात को ऑफिशियल जारी कर दें या भर्ती या कोर्ट में जवाब दे दें इस बात का, हम लोगों का केस एकदम आसान हो जाएगा। उसके बाद इस रिट से या दूसरी रिट डाल के सीनियर वकील खड़ा करके एकदम प्रॉपर वे में इसे ख़त्म कराना है। जैसे ही भर्ती बोर्ड जवाब देगा हम लोग दूसरे केस के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं, तुरंत दूसरा केस डालेंगे, उसी के लिए आप लोगों से कलेक्शन किया जा रहा है, जो भी चीज़ें ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको अब तथ्यों को तोड़ मोड़ करके पेश करना लोगों की आदत है। जो मेरे साथ लखनऊ आए हुए थे जब मैंने मीटिंग की आप लोगों के साथ में, तो आप उन सब लोगों से पूछ सकते हैं, मैंने उनको एक एक पैसे का हिसाब किताब समझाया, कितना पैसा किस हिसाब से आया, कितना कहाँ से आया, सारा मैंने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाई अपनी और सारी चीज़ें बताई। वो लोग सब समझते हैं कि कहाँ कितना पैसा खर्च किया गया, जिस भाई ने भी एक रुपया दिया है ना मुझे, चाहे वो 10,000 दिए हों चाहे 5,000 दिए हों, उन्हें हिसाब की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं कि उनका पैसा सही जगह जा रहा है और इसमें जो है बीटेक को बाहर करने में अहम भूमिका निभा रहा है, उनका एक एक पैसा इन पे भ्रष्टाचारियों पे जो घुसपैठिए स्क्रीन शेयरिंग करके या इधर उधर से घुसे हैं, दरअसल में उनको दर्द है इस बात का कि 10-15 लाख पहले बर्बाद चला गया,
अभी ये आनंद ने आके टांग अड़ा दी है इसमें और उनको बाहर करवा देगा तो उन पर बड़ा लंबा चपत पड़ने वाली है, इसलिए उनका मानसिक संतुलन हिल गया। और बीटेक वाले 90 से 95% बच्चे इस बात को मान गए हैं कि अब बीटेक बाहर है, बीटेक बाहर था, बीटेक बाहर है और बीटेक बाहर रहेगा। लेकिन ये 5% वही हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है मनमाने तरीके से, वो उनको इस बात हजम नहीं हो रही है, माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है, कुछ पैसा रिश्वत में दिया है, स्क्रीन शेयरिंग में, देखा नहीं था आप लोग कितने सारे आ रहे थे और बीटेक वाले ही पकड़े जा रहे थे मोस्टली उसमें से, तो ये पैसा ही उनके पास होता है। डिप्लोमा वाला एक मिडिल क्लास का बच्चा इतना पैसा कहाँ लाएगा कि 20 लाख और 15 लाख रुपये दे दे। हम लोग तो लड़ने के लिए 500-2000 रुपये इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, ये लोग ऐसे हैं, इन्होंने 10-15 लाख रुपए स्क्रीन शेयरिंग में दिए हैं, कई सारे पेपर्स में कटिंग आई थी, कई जगह पकड़े गए, उन्हें मोस्टली कैंडिडेट आप देखेंगे, उनका सर्च करना आप कि क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी जो पकड़े गए, वो सब करप्शन को बढ़ावा दे रहे थे। और ये भर्ती अगर बीटेक बाहर होगा तो ये करप्शन मुक्त होने वाली है, ये पहली ऐसी भर्ती होगी जिसमें करप्शन खत्म हो जाएगा एकदम से, इसीलिए इनका मानसिक संतुलन हिल गया है, ये इतने परेशान हैं, इतने बौखलाए हुए हैं, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि एक अकेला इंसान जिसने इनकी राह को इतना मुश्किल कर दिया, जो थी नहीं, भर्ती बोर्ड चाह रहा था, मैं कह रहा था पहले से कि बदलना पड़ेगा और बदला उन्होंने और आगे भी बदलेंगे। मैं चाह रहा हूँ वो स्टैंड लें, बीटेक को एलिजिबल करके तो दिखाएं, मैं भी चाह रहा हूँ, उन्होंने कर लिया है लेकिन नोटिस ऑफिशियल तौर पे देने की हिम्मत नहीं हो रही है साहब। जवाब मांगा गया है कोर्ट से, जवाब देते नहीं बन रहा है साहब, मिलने जाओगे मिलने नहीं दिया जा रहा साहब, कारण क्या है? सच सच होता है, उसे छिपाया नहीं जा सकता, एक सच के लिए आप 100 झूठ बोलेंगे, लास्ट में सच ही बाहर आएगा, यही हाल चल रहा है। लोग छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, कब तक नहीं मिलोगे आप, कब तक? हम तो इसी के लिए तैयार बैठे हैं। आप थोड़ा सा मेरे जो असिस्टेंट वाले या वर्कशॉप वाले भाई हैं, मैं उनको आश्वासन देता हूँ इस बात का कि रिजल्ट आपका जून में आ जाएगा, जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। मेरी वजह से या हेड ऑपरेटर वाले बच्चों की वजह से इस वैकेंसी पर बिल्कुल भी डिले नहीं होना है। जो आदर्श आचार संहिता लगी थी, इसमें जो समय था, मैंने उसी का सदुपयोग करके केस को मजबूत कर लिया है और हम लोग जो है मई का महीना आपके लिए यादगार महीना रहने वाला है, चाहे वो डिप्लोमा वाला हो, चाहे बीटेक वाला हो, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर हो, चाहे वर्कशॉप ऑपरेटर वो कर्मचारी हो, सबके लिए मैं बता रहा हूँ सब कुछ। अगर भर्ती बोर्ड ने चाहा तो जुलाई से अगस्त तक सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सब लोग अपनी तैयारी करते रहें, रनिंग करते रहिए, चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर के हों, चाहे वर्कशॉप के हों, चाहे वो हेड ऑपरेटर वाले बच्चे हो, किसी को भी रनिंग से नहीं रुकना है, रनिंग लगातार आप लोग करते रहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जीत आपकी ही होगी। और ये बात आपको बरगलाया जा रहा है कि ये जो है भर्ती फंसा रहा है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बात का, मेरे छोटे भाइयों बहनों, मेरी वजह से इस भर्ती में कोई डिले नहीं आने वाला है। हम लोगों ने समय का सदुपयोग किया, इसीलिए मैं ये लड़ाई बहुत आसानी से जीत सकता था, लेकिन समय बर्बाद ना हो, मैं खुद भी उसी पीड़ा से हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ किसी सिंगल बच्चे का एक महीना भी अगर लेट होता है तो 50,000 का नुकसान हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट डाल के मई के महीने में ही केस को फाइनल करवा दूंगा, ये मैं आपको यकीन के साथ दिला रहा हूँ। आपको मेरा चेहरा देख के इस बात पे लग रहा होगा, मेरा कॉन्फिडेंस देख के आपको समझ आ रहा होगा कि आप लोग जीत रहे हैं। हेड ऑपरेटर में केवल डिप्लोमा जाएगा और वर्कशॉप और जो असिस्टेंट वाले हैं उनकी भी वैकेंसी फंसेगी नहीं, कि मैं आपको एकदम यकीन दिलाता हूँ। अब मेरा वर्कशॉप और रेडियो जो ऑपरेटर वाले बच्चे हमारे भाई हैं, बीटेक वाले डिप्लोमा वाले,
बीटेक वालों से मैं यही कहूँगा कि अभी भी मेरी राय है, 95% लोग आप लोग समझ गए हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वास्तव में जिन्होंने नियमावली विज्ञापन और ये चीज़ें पढ़ी हैं उनको क्लियर हो गया है कि बीटेक एलिजिबल नहीं है इसमें। लेकिन जो कुछ 5% रह गए, मेरा प्रयास है चूँकि मैं अध्यापक हूँ पेशे से, तो मेरा प्रयास है लगातार कोई भी आ जाए मेरे पास मैं सबको समझाने का प्रयास करता हूँ। उस दिन मार्स आया, उसने पैर छुए, मैंने आशीर्वाद दिया उसको, आप देखेंगे वीडियो, मैंने तुरंत उसके सर पे हाथ रखा और मैंने बोला खुश रहो बेटे, और बाद में मैंने फ़ोटो भी खिंचाई। तो मेरे पास कोई भी आ जाए, मेरा ये संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में उससे पूछ लेना, आप वो कहने को तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन सिंगल अपशब्द वहाँ उसे किसी ने अगर बोला हो, मैंने सबको रोका, सारे बच्चों को, चाहता तो 50 बच्चे थे वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने बुलाया सबको। और मार्स अगर मिलने आया, उसने पैर छुए, बड़ा भाई माना मुझे, तो मैंने उसे फ़ोटो भी खिंचवाई और उसे आशीर्वाद दिया खुश रहने का। और मैं अच्छा लड़का है बट बुरी संगत में आके भटक गया, मैं चाहता हूँ कि वो अपने गोले पे पहुँचे, गोले का मतलब है वो अपने मकसद में लगे और अपने लक्ष्य को पाए, गोले का मतलब लक्ष्य है, गलत जगह फंस गया बेचारा। आप लोगों ने, छोटा सा अभी अनमेच्योर बच्चा नहीं समझ सकता है चीज़ें क्या हो रही हैं, उसको करियर बर्बाद कर दिया, कुछ बीटेक वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया उस बच्चे का। तो मैं ऐसे बच्चों से भी कह रहा हूँ कि आप लोग असिस्टेंट ऑपरेटर, इसको हेड ऑपरेटर को छोड़ के असिस्टेंट ऑपरेटर हो गई, या आपका रेलवे हो गया, NTPC आने वाली है, CGL आती है हर साल वैकेंसी, UPSC, State PT, PCS बहुत सारी वैकेंसी आती हैं बैंकिंग में, आप सब जगह ट्राई करिए, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ तो आपका समय खराब किया गया, इन लोगों को आपको बख्शना नहीं चाहिए जिन्होंने आपका समय खराब करवाया। उसके लिए भले ही आज आपको लग रहा होगा कि मैं दोषी हूँ, कल परसों जब आप थोड़ा सा मैच्योर होंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने आपका समय बचाया, आपका पैसा बचाया, आपकी मेहनत बचाई। आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि आप सफल हो जाएं। मैं चाहता हूँ, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, चाहे कोई भी डिप्लोमा वाला, कोई बीटेक वाला भाई मेरा दुश्मन नहीं है, सब लोग मेरे भाई हैं जैसे हैं हम लोग, लेकिन आप अपने छोटे भाई का हक कैसे मार सकते हैं? विचार करना आप इस बात पे जो मैंने आपको बोला। जब आप लोग दूसरे की पोस्ट पे आप घुसने का प्रयास करेंगे तो फिर क्या होगा? हम लोग कभी भी ITI की पोस्ट पे घुसने का प्रयास नहीं करते हैं, कभी भी, जबकि ITI से डिप्लोमा, अगर यही बात है तो ITI की पोस्ट पे हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन नहीं। अभी तक जितने भी कोर्ट केस वगैरह हुए सब हम लोगों के पक्ष में रहे, लोग कह रहे थे पुराने 2022 में जो जजमेंट आया था वो भी डिप्लोमा के पक्ष में रहा। बीटेक कभी जीता ही नहीं है, एक हिमाचल प्रदेश वाला केस छोड़ दो, बाकी कहीं बीटेक नहीं जीता है। आप लोग भी अपना समय ख़राब ना करें, मैं सबसे, मेरा यही निवेदन है बस, इसके अलावा तो बाकी कुछ कह नहीं सकता हूँ। और ये गोबर ओवर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये गोबर का मतलब ही होता है वेस्टेज, हाँ उसे जब सड़ाया जाएगा तो खाद वाद बन सकते हैं, वो लंबा प्रोसेस होता है, अभी गोबर है तो गोबर है, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ गाय का गोबर होता तो उससे लिपाई भी की जा सकती थी, पता नहीं गधे का गोबर है कि घोड़े का गोबर, इसे लीद बोलते हैं, लीद का तो कोई काम ही नहीं होता है, गोबर तो तब भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है, हो सकता है वो लीद हो जिसे आप गोबर समझ रहे हैं, हो सकता है गधे का हो, ऊँट का हो, घोड़े का हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक है मेरे दोस्त, फाइनल में फिर आपसे ही कह रहा हूँ, एक एक सीट पर केवल और केवल डिप्लोमा का सिलेक्शन होगा। उसके लिए जब पता ही चल गया, लोग कह रहे हैं कि मैं चंदा लूट रहा हूँ, तो मेरे प्रत्येक डिप्लोमा वाले भाई से मैं कह रहा हूँ कि आप सबको इसमें आर्थिक सहयोग करना चाहिए, इस मुहिम में जुड़ना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, ये आप सबकी लड़ाई है। जो बीटेक वालों ने, दरअसल में उसने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया, मैं नहीं चाह रहा था कि ये बातें मुझे यूट्यूब पे बोलनी पड़े, उसने बोला, मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को कि हाँ आर्थिक सहयोग लिया जा रहा है और लीगल तरीके से लिया जा रहा है, उसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जा रहा है, और चीज़ें जो मेरे भाई, बल्कि उन भाई लोगों ने खुद देना शुरू कर दिया, ज़रूरत थी, मैंने उनको नीड बताई कि इतने इतने की नीड है, मीटिंग हुई हम लोगों की लखनऊ में, वहाँ पर डिसाइड हुआ, आप लोगों को उनके सामने, वो जो लोग मेरे साथ गए उन सबको सब कुछ पता है, उन लोगों ने खुद ही बोला कि सर हम 2-2 हज़ार क्या, 5-5 हज़ार क्या, 10-10 हज़ार भी देंगे, लेकिन ये बीटेक वाले घुसपैठी नहीं चाहिए उनको। आप सोचिए इस बात को कि आपका, अगर इनके साथ आपका सिलेक्शन हो गया, जो मेरे उन भाइयों की आंखें खोलने के लिए मैं आया हूँ,
जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, 132-135% है, और ये इस बात के घमंड में है कि अगर बीटेक के साथ भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे दोस्त, अगर सिलेक्शन हो भी गया, आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के साथ। अदर डिपार्टमेंट आप पता कर लें जहाँ पे डिप्लोमा बीटेक सेम पोस्ट पे हैं, वहाँ डिप्लोमा, क्योंकि बीटेक वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, डिप्लोमा वालों को जॉब प्रोफाइल भी उनका ख़त्म हो जाता है, उनको जॉब करने नहीं दिया जाता है, इतना शोषण होता है उनका, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वर्कशॉप का जो माहौल होता है इतना गंदा हो जाएगा कि आपको ऑफिस जाने का ही मन नहीं करेगा। इसलिए जो पोस्ट जिस लायक है उस पे उन्हीं लोगों को आने दीजिए और उन्हीं के लिए लड़िए आप सब लोग। आपके नंबर अच्छे हैं, मैं भर्ती को फंसने नहीं दूंगा, इस बात के लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ये मई का महीना आपके लिए निर्णायक होने वाला है, फैसला आ जाएगा इस बात का। ठीक है मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, रनिंग करते रहिए, और किसी के बहकावे में नहीं आना। आप खुद समझदार हो, चीज़ें अपने आप से पढ़ने का प्रयास करिए, देखने का प्रयास करिए। कोई आपसे कह रहा है तो उस पर विचार करिए आप। मैं कहूँ, मेरी बात पे भी बिना विचार किए भरोसा मत करिए आप। मैंने कई बार बोला आप लोगों से, जिसको कोई प्रश्न है आप मेरे से बात करिए, सीधा फ़ोन कॉल करिए, मुझे डिप्लोमा और वो भेजिए। ये बात साबित करिए आप, पहले आप डिप्लोमा हो। मैं आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे हैं, अगर आप वास्तव में पार्टिसिपेट हैं तो। लेकिन अब जो लोग ऐसे हैं केवल भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, उन लोगों को मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। या आप गलत जगह, आप YouTube पे हमसे हिसाब मांगेंगे आप, तो उस बात के लिए मैं आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। जो लोगों ने, जिन्होंने पैसे दिए हैं, जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को एक एक बात बताने के लिए बाध्य हूँ, और मैं उनको चीज़ें बताता भी हूँ। ठीक है, तो बस फिलहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग एकदम निश्चिंत होकर रनिंग करें, और एक एक सीट पर केवल और केवल डिप्लोमा का सिलेक्शन होगा, और वो भी बहुत जल्द होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं जाने वाला आपका। भगवान ने अगर चाहा तो हम लोग अगस्त में सबके सब वर्दी में होंगे, ट्रेनिंग पे मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू।